नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेड पुल ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 कल कहां पे कामकाज कर सकता है, आपके कॉल पुट के क्या टारगेट रहेंगे। बट उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कल मार्केट में वीकली एक्सपायरी है और वीकली एक्सपायरी के साथ साथ मार्केट में कल मूवमेंट भी आ सकती है। तो वीकली एक्सपायरी में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पहला, करंट सीरीज, मतलब जो कल की एक्सपायरी होगी करंट सीरीज, इसमें ट्रेड नहीं करना। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ 17th नवंबर सीरीज पे करना है। तीसरा, कल आपने सस्ती कॉल, चीप कॉल्स और पुट के पीछे नहीं भागना कि हम आज 0-0 कर लेते हैं, ये आया है, आज मैं लखपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। कुछ नहीं बनोगे, रोडपति बन जाओगे। इसलिए अपनी कैपिटल को सेव करके रखना कल के लिए। सेव। अब देखते हैं मार्केट ने आज पहले काम पे काम कर्ज किया। दोस्तों, मार्केट ने हमें गैप अप ओपनिंग दी थी, गैप अप दिया हमें मार्केट ने 18,285 लेवल के आसपास। ऊपर होते ही मार्केट में एकदम सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मार्केट धीरे धीरे यहां पर, ये देखिए, नीचे की तरफ यहां पर डायरेक्शन पकड़ती हुई आती रही। तकरीबन 12 बजे तक मार्केट एक ही डायरेक्शन में रही और यहां पर 18,167 का एक स्टैंप यहां पे अपना लो लगाया। दोस्तों, इसके बाद मार्केट ने तकरीबन यहां पर 2-2.5 घंटे साइडवे जोन में ही, ये देखिए, बिताए। ऐसी जोन में ट्रेड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट में, जब आपके पास जो जोन हो सिर्फ 30-32 पॉइंट की हो। इसके बाद इमीडिएटली एक यहां पर हमें ब्रेकडाउन मिला, मार्केट ने फिर पुल बैक भी लिया और उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ यहां पर चल पड़ी। क्लोजिंग जो हमें मिली मार्केट की, वो मिली तकरीबन 18,157 के आसपास। अब कल मार्केट में क्या हो सकता है, इस चीज को समझने के लिए आपको ग्लोबल सिनेरियो पहले देखना पड़ेगा। अगर ग्लोबल सिनेरियो आप देखेंगे तो आपको पता होगा इस टाइम पर DJI Dow Jones इंडेक्स तकरीबन -273 पॉइंट्स वीडियो बनाते समय और NASDAQ यहां पर करंटली एट 80 पॉइंट्स पर ट्रैवल कर रहा है। तो डेफिनेटली यहां से आपको जो सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव मार्केट में बनते हुए नजर आ सकते हैं और चांसेस हैं कि मार्केट आपकी जो कल ओपनिंग दे वो या तो फ्लैट ओपनिंग दे मार्केट के अंदर, टू हल्का फुल्का गैप डाउन। अब कल चांसेस हैं फ्लैट ज्यादा ओपनिंग के, फ्लैट या हल्का फुल्का मार्केट में गैप डाउन। तो अगर मार्केट आपको ओपन करती है 18,000 मान लीजिए इसी लेवल के आसपास, आपको पुट की पोजीशन इमीडिएटली बनानी है। जब मार्केट 18,125 का लेवल तोड़ के नीचे जाती है तो पुट पोजीशन लेंगे और जो टारगेट्स होंगे वो आपके पास यहाँ निफ्टी 50 में, यहां पहला टारगेट होगा 18,000, यहां पर पहला टारगेट होगा 18,050 और दूसरा टारगेट होगा 18,000। तो ये दो साइकोलॉजिकल लेवल्स आप कल मार्केट में देख सकते हो। अगर मार्केट आपको यहां पर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 18,125 लेवल को तोड़ दे, गैप डाउन के केस में भी अगर मार्केट में हल्का फुल्का गैप डाउन हुआ तो आपको वेट नीचे की तरफ इसी लेवल की करनी है। ऊपर की तरह दोस्तों तब तक पोजीशन हम नहीं बनाएंगे जब तक मार्केट आपको इस लेवल को ब्रेक कर ऊपर नहीं जाने देती है। ये कौन सा लेवल है, ये दोस्तों ये है यहाँ पर 18,205। तो यहां इसके ऊपर हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे अगर मार्केट 18,205 को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो। और जो टारगेट्स आपके ऊपर की तरफ होंगे फॉर कॉल साइड, वो पहला टारगेट 18,250 और 18,275, पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी लेस है। हाई प्रोबेबिलिटी बनती है इस तरफ मार्केट में अगर मार्केट इस लेवल को, जो मैंने आपको बताया, तोड़ के नीचे आती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइव स्ट्रीम को देखते रहे बिकॉज उसके अंदर जो मैं लेवल्स मार्क करता हूँ आप उसका डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड बाय बाय।